हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण शोरान। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे मोटर क्लेम रिजेक्ट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। कई बार दुर्घटना हमारी खुद की लापरवाही की वजह से होती है और कई बार दूसरे की लापरवाही की वजह से। उस वक्त हम में से ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लिया जाएगा। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ऐसे भी कई कारण होते हैं जिनकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। आइए जानते हैं वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारे क्लेम रिजेक्शन में चले जाते हैं। नंबर 1, अनलाइसेंस्ड ड्राइवर और नॉट ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। इसके अलावा यदि आपके पास केवल 2-व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप कोई दूसरा 4-व्हीलर या कोई कमर्शियल व्हीकल ड्राइव करने के लायबल नहीं है। ठीक वैसे ही यदि आपके पास केवल 4-व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो भी आप कोई दूसरा 2-व्हीलर या कोई कमर्शियल व्हीकल ड्राइव करने के लायबल नहीं है। ऐसी कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। सो प्लीज़ कीप ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस वाइल ड्राइविंग एंड राइडिंग। नंबर 2, एक्सपायर्ड पॉलिसी। यदि आपकी व्हीकल की इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर हो गई है और आप उस एक्सपायर्ड पॉलिसी पर कोई क्लेम फाइल करते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। सो प्लीज़ कीप ए वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी ऑलवेज विद यू। नंबर 3, इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। यदि आपके व्हीकल की इंश्योरेंस पॉलिसी और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि RC बुक में ओनर नेम, ओनर एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, मॉडल ईयर, मॉडल नेम, अगर ये सेम नहीं है, तो भी इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। नंबर 4, ड्रंक एंड ड्राइव। यदि आप ड्रिंक करके अपनी व्हीकल को ड्राइव या राइड करते हैं और उसके बाद अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, कई ऐसे डाउटफुल केसेस होते हैं जहां पर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को इन्वेस्टिगेशन के लिए डाल देती है, और अगर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये प्रूफ हो जाता है कि दुर्घटना ड्रिंक करने की वजह से हुई है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। सो प्लीज़ डू नॉट ड्रंक एंड ड्राइव। नंबर 5, रिपेयर्स ऑफ व्हीकल स्टार्टेड विदाउट इंटीमेटेड इंश्योरेंस कंपनी। यदि आपके व्हीकल के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और आप इंश्योरेंस कंपनी को बिना इन्फॉर्म किए अपने व्हीकल का रिपेयरिंग वर्क शुरू करवा देते हैं और बाद में इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम के लिए इन्फॉर्म करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। नंबर 6, फॉर कमर्शियल व्हीकल। यदि आपके पास कोई कमर्शियल व्हीकल है और आपके पास आपके व्हीकल का वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट और रोड परमिट नहीं है, तो भी इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। इसके अलावा यदि आपके पास गुड्स कैरियर व्हीकल है और आप रजिस्ट्रेशन यानी कि RC बुक में मेंशन लोड कैपेसिटी से अधिक लोड अपने व्हीकल के साथ कैरी करते हैं, या फिर आपके पास कोई छोटी गाड़ी है, टैक्सी गाड़ी है, जिसमें आप अपनी पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी से अधिक पैसेंजर कैरी करते हैं और उसके बाद अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होती है, ऐसी कंडीशन में भी इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। नंबर 7, इम्प्रॉपर यूज ऑफ पर्सनल व्हीकल। यदि आपके पास कोई पर्सनल व्हीकल है और आप उसका यूज बिजनेस पर्पज के लिए या कमर्शियल पर्पज के लिए करते हैं और ड्यूरिंग दैट टाइम अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होती है और इंश्योरेंस कंपनी अगर आपके केस को इन्वेस्टिगेशन में डालती है और इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूफ होता है कि आपका पर्सनल व्हीकल कमर्शियल पर्पज़ या बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज हो रहा था,
तो इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। नंबर 8, रेकलेस ड्राइविंग। यदि आप यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं या फिर अपनी स्पीड लिमिट से अपने व्हीकल की ओवर स्पीड रखते हैं या फिर आप बार बार एक लेन से दूसरी लेन बदलते हैं, उस वक्त अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और इंश्योरेंस कंपनी कई बार डाउटफुल केसेस को इन्वेस्टिगेशन में डाल देती है, अगर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में दुर्घटना का कोई इनमें से कोई एक कारण मिलता है तो भी आप इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। नंबर 9, अनरोड वर्दी व्हीकल। यदि आपके व्हीकल के वाइपर या इंडिकेटर काम नहीं कर रहे हैं या फिर आपके व्हीकल के टायर बिल्कुल घिस चुके हैं, इन सब कारणों की वजह से दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होती है और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में अगर ये प्रूफ हो जाता है कि दुर्घटना इनमें से किसी एक कारण की वजह से हुई है तो भी इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। नंबर 10, विदाउट एनी एक्सटर्नल इम्पैक्ट, यानी कि इंटरनल डैमेजेस, बिना किसी ऑब्जेक्ट से हिट हुए नुकसान को इंटरनल डैमेजेस कहते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है जनरल एजिंग और वियर एंड टियर लॉस। जनरल एजिंग जैसे कि अकॉर्डिंग टू एज आपके व्हीकल के टायर, ब्रेक पैड, ब्रेक डिस्क, क्लच असेंबली, बेरिंग, ये सब एक टाइम के साथ फिनिश हो जाते हैं। और अगर आप इनमें से किसी लॉस के लिए इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम फाइल करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। सेकंड पॉइंट, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन जैसे कि किसी ऑयल गैस्केट का लीक होना, किसी होस पाइप का लीक होना, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन जैसे किसी बल्ब, फ्यूज या कोई सेंसर का खराब होना या उससे होने वाले और कोई नुकसान को इंश्योरेंस कंपनी क्लेम में कवर नहीं करती। पॉइंट 3, कॉन्सिक्वेंशनल लॉस। कॉन्सिक्वेंशनल लॉस मान लीजिए यदि आपके ऑयल सम्प से इंजन ऑयल लीक कर रहा है और उसके बाद भी आप अपने व्हीकल को ड्राइव या राइड करते हैं तो उससे होने वाले नुकसान को इंश्योरेंस कंपनी क्लेम में कवर नहीं करती। और सबसे अहम बात, अगर आपके साथ कभी दुर्घटना हो जाती है और आप इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम के लिए इन्फॉर्म करते हैं या क्लेम अपना ऑनलाइन रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उस वक्त आप इंश्योरेंस कंपनी को कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, जैसे कि ड्राइवर की डिटेल्स या डिटेल्स ऑफ एक्सीडेंट, क्योंकि जब आप क्लेम फॉर्म बाद में फिल करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी हमेशा आपके लॉस को जज करती है, एनालाइज करती है और आपकी स्टोरी को मैच करती है ऑनलाइन डिटेल्स को और क्लेम फॉर्म में दी गई डिटेल्स को। अगर आपकी वो डिटेल्स मैच नहीं करती है तो भी इंश्योरेंस कंपनी आपके ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकती है और आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर कोई क्लेम से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी डालें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। धन्यवाद।